ਕਨ ਜਾਂ ਮੰਗਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਨਾ ਪ੍ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ असी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इलेक्शन आई ते असी जद आए ते असी सब तो पहले एजुकेशन दे मियार नूं उत्ता चुकांगे ते नाल ही असी एजुकेशन कौंसल बनावांगे जो बच्चों का भविख नूं उज्जल कर सके और टीचरां नूं जो अपने इस मंदिर विच बच्चों नूं पढ़ांदियां उन्हां दे भी मियार नूं असी उच्चा करांगे। साडा यह कहना कि अगर 15 दिनां दे विच विच उन्हां नूं तनखावां नहीं दित्तियां गईआं ते अकाली दल सड़कां ते निकलेगा। इस करके 15 दिन दे रहे हैं कि असी स्कूल दे विच जाके उत्थों दी पढ़ाई उत्थों दा माहौल डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। बच्चे इन्वॉल्व ने उत्थे कोई गल हो जाए जिम्मेवारी सारियां ते सांझी बनती है। असी भी गुरुद्वारा कमेटी दे मैंबर हां। अगर 15 दिनां दे विच विच इन्हां ने तनखावां नहीं दित्तियां ते अकाली दल सड़कां ते उतरेगा, प्रोटेस्ट करेगा, मजबूर कर देगा इन्हां नूं कि उत्थे तनखावां भी दित्तियां जाणगीआं, इन्हां नूं बाहर सुट्टण वास्ते भी मजबूर करांगे। इन्हां करोड़ां रुपया लुट चुके ने और हुण इह चाहुंदे ने कि किसी तरीके स्कूलों नूं भी बंद करा के टीचरां तों इत्थे इंस्टीट्यूट खोले जाण ताकि होर आमदन का स्रोत उन्हां दे घर दा जिहड़े आमदन जिहड़ी आ उन्हां दी घर दी निजी आमदन जिहड़ी आ उह होर वधाई जा सके। इस करके सब कुछ हो रहा। फतेहगढ़ साहिब की अदालत ने अज बलदीप सिंह नूं बरी कर दिता है। दस दिए कि पुलिस ने बलदीप सिंह नूं जगतार सिंह हवारा दे बुड़ैल जेल विचों फरार होने तो बाद गिरफ्तार किया सी अते उस ते एक झूठा केस बनाया गया सी। इस मामले विच पुलिस वलों पेश किए गए सबूतों की घाट कारण अज फतेहगढ़ साहिब की अदालत वलों बलदीप सिंह नूं बरी कर दिता गया। फतेहगढ़ साहिब की मानयोग अदालत ने अतवादी जगतार सिंह हवारा नाल संबंध रखण अते रोपड़ दे पिंड बड़ा तों असले समेत गिरफ्तार किए जाने दे दोष विच बलदीप सिंह नूं बरी कर दिता है।